हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपने बालाजी आईटी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैं आपको जीने की वायरिंग के बारे में समझाऊंगा एक पाइपलाइन के द्वारा। जीने की वायरिंग, जीने की जो वायरिंग होती है तो उसमें हम हमारा एक लैंप होता है तो उसको हम इस तरीके से उसकी वायरिंग करते हैं कि यदि हम कभी भी होता है कि हम जीने से हम जीने पे चढ़ना शुरू करते हैं तो हमें रात के समय में बल्ब जलाना पड़ता है, लैंप जलाना पड़ता है। तो हमने लैंप जला लिया तो हम अपने छत पे जाते हैं तो हमें उसे बंद करने की जरूरत पड़ती है। तो हम एक जीने पर एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर जब हम जीने पर चढ़ना शुरू करते हैं तो एक शुरू में एक हम स्विच लगाते हैं और जब हम छत पे चढ़ जाते हैं तो अंत में छत पे पहुंच जाते हैं तो एक वहां पर हम एक स्विच लगाते हैं। तो उन दो स्विच जो हम प्रयोग करते हैं वो टू वे स्विच होते हैं हमारे, द्विमार्गी स्विच। और द्विमार्गी स्विच के द्वारा ये हम एक लैंप नियंत्रित करते हैं। इसको मैं छोटे से एक परिपथ के द्वारा बोर्ड पर आपको समझाऊंगा। तो उसमें एक लैंप है हमारा, लैंप आपका 60 वाट का भी हो सकता है, 100 वाट का भी ले सकते हैं। और अगर मैं 100 वाट का लैंप लिया है और दो हमारे टू वे स्विच हैं, दो हमारे टू वे स्विच हैं और हमारा वायर होगा, वायर प्रयोग करते हैं हम तार। तो जो हमारे टू वे स्विच हैं हमारा टू वे स्विच, एक टू वे स्विच ये है एक टू वे स्विच हमारा ये है और दूसरा टू वे स्विच ये है। तो हमारा जो लैंप लगा होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो लैंप की जो पोजीशन होती है वो इस तरीके से होती है कि वो जो जीने पर फिट करते हैं तो जीने पर बिल्कुल बीच में होता है अधिकतर, नहीं तो कहीं पर भी लगा देंगे लेकिन कनेक्शन एक जैसा ही होगा। तो हमने दो टू वे स्विच प्रयोग करे हैं और एक लैंप है हमारा, हमारा लैंप है। जो लैंप है इस लैंप में हमने किस तरीके से कनेक्शन किए हैं वो हम बता रहे हैं। तो हमारे टू वे स्विच है, टू वे स्विच नंबर एक टू वे वन टू वे टू। तो जो हमारा स्विच होता है तो हम कई बार बता चुके हैं और इसमें तीन जो होते हैं तीन टर्मिनल होते हैं, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं और इसके जो तीन टर्मिनल होते हैं तो कोई भी एक समय में एक ही दो टर्मिनल्स जो है वो शॉर्ट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें दो मार्ग होते हैं, तीन टर्मिनल के द्वारा दो मार्ग बनते हैं। तो इसमें बीच वाला जो टर्मिनल होता है वो कॉमन होता है दोनों के लिए और बीच वाले जो टर्मिनल से अगर सप्लाई देंगे तो इस स्विच को अगर ऊपर की ओर दबाएंगे तो बीच वाले टर्मिनल से ऊपर सप्लाई जाएगी, नीचे ऊपर दबा देंगे तो नीचे जाएगी, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, लेकिन इसे कनेक्शन कैसे करते हैं, इसमें हम इसे कनेक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके, दोनों तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। पहला तरीका तो यह है कि इनके जो आमने सामने के जो पॉइंट है वो एक तौर से एक वायर से शॉर्ट कर दो। इसके सामने का जो पॉइंट है यह है शॉर्ट कर दिया, इसके सामने का जो पॉइंट है ये शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया हमने एक तार के द्वारा शॉर्ट कर दिया। और जो बाहर से मेन सप्लाई लाएंगे वो मेन सप्लाई हम
पहले टू व्हील स्विच के बीच वाले पॉइंट पर देंगे, पहले स्विच के बीच वाले पॉइंट पर स्प्रे देंगे। ये हमारा फेस है, हमारा फेस है, और हमने जो फेस लाए, फेस हमने जो हम फेस तार लाए, तो फेस तार हमने पहले टू व्हील स्विच के बीच वाले पॉइंट पर दे दिया। अब हम दूसरे टू व्हील स्विच के बीच वाले पॉइंट से तार निकालेंगे, वो हम ले जाएंगे लैंप के पास। लैंप से जोड़ दिया वो हमने, दूसरे टू व्हील स्विच के बीच वाले टर्मिनल से हमने तार निकाला, वो हमने लैंप में जोड़ दिया। और लैंप में दो टर्मिनल है, तो एक तो टर्मिनल फेस से जुड़ गया, दूसरा टर्मिनल खाली, उसमें न्यूट्रल जोड़ देंगे। ये हमारा न्यूट्रल है, हमारा न्यूट्रल है। तो इस तरीके से हम जीने की वायरिंग करते हैं, इस तरीके से हम जीने की वायरिंग करते हैं। और इसमें आप देख सकते हो, पूरा डायग्राम देख सकते हो, तो इस प्रकार हमने पहला आपको आरेख बनाकर दिखाया। और दूसरा आरेख कुछ नहीं करना है, बस क्या है, हम जो हमारे आमने सामने के जो हमने टर्मिनल शॉर्ट किए हैं, यानी आमने सामने शॉर्ट ना करके हम क्रॉस शॉर्ट करते हैं, क्रॉस क्रॉस इस तरीके से। इसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा भी दिखाएंगे, और हमारा वीडियो कृपया पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी लाइक करें। धन्यवाद।